Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. एक तुच्छ सी भ्रमरी मुझ पर आक्रमण करने चली थी। लो अब उलझ गई ना तुम, यहाँ लाचार हो गई ना भ्रमरी। उलझ गई अरुणासुर की सुरंग में, उलझ गई। भैया क्या हुआ गणेश? पिताश्री उन्होंने अपना कष्ट व्यक्त किया है अभी, अर्थात मेरा आभास उचित था। माँ कहीं किसी संकट में उलझी हुई है, देखिए ना पिताश्री भी माँ की पीड़ा के कारण ही विचलित हो रहे हैं। इसलिए अब इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि माँ पर अवश्य कोई बड़ा संकट छाया है। यहाँ इस शिला के भार तले दबकर असहाय हो गई ना तुम तुच्च भ्रमरी। अब कोई रक्षा नहीं कर सकता इस तुच्च भ्रमरी की, बहुत निकट है इसका अंत। भगवान को भी अवतार की मर्यादा रखनी होती है पुत्र, इसलिए जो कुछ भी एक साधारण कीट को प्रभावित करेगा वो देवी भ्रमरी को भी करेगा। चिंता मत करो गणेश, यदि माँ किसी संकट में तो मैं स्वयं जाकर उनकी सहायता करूंगा। विश्वास, अटूट विश्वास, भैया अटूट विश्वास होना चाहिए हमें अपनी माँ पर। उनके इस रूप में भी उनके सामर्थ्य पर ऐसा दृढ़ विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में ना डिगे। किंतु गणेश, भैया हम वहाँ गए तो कदाचित माँ की कुछ कठिनाई तो दूर होगी ही, किंतु क्या इसमें उनकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचेगी? नहीं भैया, हम हस्तक्षेप कर माता के मान को क्षति नहीं पहुंचने देंगे, और उन पर जो भी संकट छाया है माँ उसे मिटाने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। इसलिए हमें इसका विश्वास कर धैर्य पूर्वक माँ के द्वारा अरुणासुर के अंत की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माँ की लीला तो उचित समय पर ही उजागर होती है, उससे पूर्व नहीं, है ना भैया? कैसी निरी प्रतीत हो रही है भ्रमरी देवी, किंतु अब तो ये देखना होगा कि अरुणासुर उसे कैसे मृत्यु प्रदान करता है। देख क्या रहे हो, अंत कर दो इस तुच्छ भ्रमरी का, बहुत कष्ट दिए हैं इस दुष्टा ने हमें, तो उसके दंड स्वरूप जीवित ही निकल जाओ उसे। माता यहाँ पहुंच तो गई है, किंतु प्रतीत होता है वो किसी संकट में है। इन दुष्टों ने तो घेर लिया है मुझे, शीघ्र यहाँ से मुक्त होने का कोई उपाय करना होगा मुझे। हमारे अनेकों असुर भ्राताओं का वध किया है इसने, आज मैं इसे अपना भोजन बनाऊंगा। हाँ हाँ शीघ्र से आहार बनाओ अपना। क्यों नहीं मित्र, करो भोजन करो, इसका अंत कर दो इसका। वैसे भी इतनी नन्हे सी भ्रमरी के लिए हमारे मध्य किसी भी होड़ का लाभ क्या है? क्योंकि इससे भला किसका उदर भरेगा। उचित कहा तुमने, इतनी छोटी हूँ मैं कि मुझे अपना आहार बनाकर तुम में से किसी एक का भी उदर नहीं भरेगा। आज तो तुम्हें मेरा आहार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम अपने वचनों से हमें भ्रमित करने का कितना भी प्रयास कर लो
किंतु अब मेरे उदर में जाकर तुम्हारा अंत तो निश्चित ही है। तुम तो चतुर हो, इतने मूर्ख नहीं जितने प्रतीत होते हो। मेरी युक्ति को भांप लिया तुमने, और तुम्हें तो मेरा रहस्य भी ज्ञात है। गुप्त रहस्य? कैसा गुप्त रहस्य? मुझे तो प्रतीत हुआ इसे ज्ञात है। चलो मैं ही बता देती हूँ। तुम में से जो भी मुझे अपना आहार बनाएगा, बाहर स्थित मेरी असंख्य कीटों की सेना उसकी अधीन हो जाएगी, और फिर उसे भोजन प्राप्त करने हेतु कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भोजन तो उसके अधीन होने के कारण स्वयं उस तक चलकर आएगा, और इसी कारण वो असुर कभी भूखा नहीं रहेगा। अब देखना तो ये, तुम में से वो शक्तिशाली असुर कौन है जो मुझे अपना आहार बनाने में सक्षम होगा। मैं बनाऊंगा इसे अपना। नहीं, नहीं, ये मेरा भोजन बनेगी। नहीं नहीं, इसे तो मेरे उदर में जाना होगा। इसे तो मैं निगलूंगा। नहीं, इसे मैं निगल जाऊंगा। अंततः ये मूर्ख असुर मेरी योजना में उलझ ही गए, और अब बारी होगी इसके परिणाम की। सभी के जीवा प्रहारों से ये पाषाण शिला अपने स्थान से डिग रही है, अर्थात मेरी युक्ति सफल हो रही है। अरे इतना समय क्यों लग रहा है इस तुच्छ भ्रमरी को अपना आहार बनाने में? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसमें भ्रमरी की कोई योजना है? अरे क्या हुआ, एक ही बार में अपनी असफलता स्वीकार कर ली तुम सभी ने? एक बार पुनः प्रयास करके देख लो। हाँ, पुनः प्रयास करूंगा मैं। इसे अपना आहार बनाऊंगा, इसे भोजन बनाकर अपने संपूर्ण जीवन के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा मैं। इनके समान कहीं भी अपनी जिह्वा से प्रहार नहीं करूंगा मैं। ध्यान से लक्ष्य साधूंगा और अपना आहार बनाऊंगा इसे। पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई हूँ, किंतु ये दुष्ट ऐसे ही प्रयास करते रहे तो कदाचित शीघ्र ही सफल होगी मेरी युक्ति। समझ गया, चतुराई कर रही है। इन असुरों को उत्तेजित कर स्वयं मुक्त होने के लिए उनका लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनकी जीवा और शीला से टकराएगी तो वो शीला अपने स्थान से हटकर इसे मुक्त कर देगी। मूर्ख असुर, तुम्हारे मूर्खों को अपनी युक्ति का साधन बना रही है वो। किसी कार्य के नहीं हो तुम सभी, एक तुच्छ भ्रमरी पर लक्ष्य साधने में असफल हो रहे हो। शीघ्रता करो, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बना लूंगा। अरे इस प्रकाश ने बाजी बाजी कर दी मेरी। अरे किसने आहार बनाया उसे अपना? तुमने निकला उसे? नहीं 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 नहीं, तुमने निकला क्या? नहीं मैंने नहीं। अरे किसी ने भी नहीं निकला तो वो अदृश्य कैसे हो गई? किसने अपने उदर में भरा है उसे, और अब वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है? तुमने खाया होगा, तुमने खाया होगा।
तुमने खाया होगा। उधर उसी का भरता है जिसे संतुष्टि, लोभ नहीं, किंतु तुम्हारा लोभ तुम सभी के विरुद्ध गया और तुम में से कोई भी मुझे अपना आहार नहीं बना सका। अरे ये रही वो भ्रमरी, शीघ्र पकड़ो उसे। अरे आहार बना लो उसे अपना। शीघ्र पकड़ो उसे, आहार बना लो उसे अपना। अब पुनः मेरे समक्ष आ गई है तो मैं फिर अपना लक्ष्य बनाऊंगा इसे। इतना तो साहस इस तुच्छ भ्रमरी का। सैनिकों, काट दो इसके पर, खंडित कर दो इसकी भुजाएं, मसल के रख दो इसे। कुछ भी करो किंतु ये जीवित नहीं रहनी चाहिए। तो वहां स्थित है ये दुष्ट। मुझे ज्ञात हो चुका है कि तुम कहां स्थित हो दुष्ट। आ रही हूं मैं, किंतु इसके पूर्व मेरे मार्ग में आ रही बाधा का सर्वनाश भी देख लो तुम। ये क्या हो रहा है वहां? ये भ्रमरी वहां इतना विनाश करने में सफल कैसे हो रही है? असुर महानायक, उस तुच्छ भ्रमरी ने हमारे अनेकों सैनिकों का वध कर दिया। तो तुम मुझे ये सूचना देने आए हो? जाओ रोको उसे। ठहरो, तुम जाओ, तुम रुको यही। जी महाराज। अब उसे इस कक्ष में प्रवेश तो करने दो। बहुत आतंक फैला चुकी हो तुम भ्रमरी, किंतु मेरी जीवा से सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम, क्योंकि जो भी मेरी जीवा के संपर्क में आता है वह सीधा मेरे उदर में उतर जाता है। एक घात लगाए हुए असुर का प्रतिबिंब मेरे पीछे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे आगे भी संकट है और पीछे भी। इन दोनों संकटों का एक साथ निवारण करना होगा मुझे। इस मूर्ख असुर का भी अंत हो गया, अर्थात ये भी नहीं रोक सका उस भ्रमरी को। अब मैं ही रोकूंगा उसे, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी बलि क्यों न देनी पड़ जाए। तनिक कल्पना करो, यहाँ मेरे स्थान पर कोई और मेरी शैया पर सुप्त अवस्था में हो और वो भ्रमरी यहाँ प्रवेश करे तो क्या होगा? नहीं समझ सके ना तुम? तो मैं बताता हूँ, वो मुझ पर आक्रमण करने के विचार से आगे बढ़ेगी। हाँ यही उचित होगा महाराज, ऐसा ही करेगी वो। जिस प्रकार वो यहाँ वहाँ उड़ान भरकर अन्य असुरों को छल रही है, मुझे कोई क्षति पहुँचाए उसके पूर्व
मैं ही उसे निगल जाऊं तो कैसा रहेगा? ये तो अति उत्तम होगा असुर महानायक जी। इसका अर्थ ये है कि जब वो प्रवेश करेगी तब आप छिपे रहेंगे और छिप कर उस पर वार करेंगे, है ना? अरे वाह, बहुत चतुर हो तुम। मेरी युक्ति शीघ्रता से समझ गए, किंतु मेरी युक्ति को पूर्ण करने हेतु अथवा उस भ्रमरी को भ्रमित करने हेतु यहाँ मेरे स्थान पर किसी को स्थित होना होगा ना? किंतु महाराज, वह तो किसी असुर के शव को स्थित करना होगा, तभी तो ऐसे प्रतीत होगा कि कोई सुप्त अवस्था में वहाँ सोया है, परंतु वो शव हम लाएंगे कहाँ से? अरे ये कैसा प्रश्न है तुम्हारा? कितने समय से तुम मेरे निष्ठावान सैनिक रहे हो, सदा मेरा साथ दिया है तुमने, प्रत्येक आदेश का पालन किया है तुमने मेरा। अब ये मेरा अंतिम आदेश है और आशा करता हूँ तुम इसे कदापि नहीं टालोगे। तो महाराज, कोई शब्द ढूंढ के मैं लाऊं? जब तुम स्वयं हो यहाँ तो फिर किसी और को लाने की क्या आवश्यकता? नहीं नहीं महाराज, महाराज मैं आपका सेवक हूँ महाराज। यहाँ बाहर तो मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब भीतर प्रवेश करने का मार्ग ढूंढना है मुझे। आओ आओ भ्रमरी, यहाँ प्रवेश कर अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ तुम। मेरी रक्षा का उपाय बने हो तुम तो चतुर सैनिक, ये तो सौभाग्य है तुम्हारा, क्योंकि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर शत्रु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुत उड़ान भरती है ना ये तुच्छ भ्रमरी, बार बार बचकर निकल जाती है, किंतु अब नहीं, एक बार यहाँ भीतर आ जाए तो मैं भी देखता हूँ कैसे अपनी रक्षा करती है ये दुष्टा कीट। सभी छिद्रों को बंद कर दिया है इसने तो, कोई रिक्त मार्ग दिख ही नहीं रहा जिससे कि मैं प्रवेश कर सकूं। दुष्चरुणासुर के कक्ष में प्रवेश करने का और कोई मार्ग नहीं, तो अब इस द्वार को बेध कर ही भीतर प्रवेश करूंगी मैं। इसी क्षण की तो बहुत अधीरता से प्रतीक्षा थी मुझे। वहां अपनी शैया पर स्थित है क्या वो दुष्ट? मुझसे सुरक्षित रहकर कहीं नहीं जा सकोगी तुम तुच्छ भ्रमरी। मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया था ना तुमने,
उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे ये चित्र करने का स्वर कहां से आ रहा है? ओह, ये मात्र मेरी कल्पना ही थी। कोई बात नहीं, कुछ ही पल में मैं अपनी इस कल्पना को साकार भी कर लूंगा। तुम्हारे भीतर आने से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी मुझे। मेरी योजना अवश्य सफल होगी। मैं तुम्हारी यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं भ्रमरी। जहां से मैंने प्रवेश किया उस मार्ग को बांधित कर दिया इस दुष्ट ने। किंतु कोई बात नहीं, अब अरुणासुर के वध करने के उपरांत बाहर जाने का मार्ग भी अवश्य ढूंढ लूंगी मैं। मेरी सुरंग में तुम्हारा तुच्छ भ्रमरी, अब अपनी मृत्यु के लिए तुम तत्पर हो जाओ। अधर्मी कितना भी छल बल का प्रयोग कर ले, किंतु ईश्वर जब अपनी लीला दिखाने पर आते हैं तो ये छल बल उनके समक्ष शून्य पड़ जाते हैं।